Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं फातिमा आपको अपने नौशाही किचन में करती हूँ वेलकम। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं मटन के पाए। ये मेरे पास 6 पाए हैं। सबसे पहले हम इनको आटा लगाएंगे और आटा लगा के 5 मिनट इनको रखेंगे और फिर इनको अच्छी तरह से, जैसे किसी चीज़ को हम रगड़ते हैं इसी तरह पाए के ऊपर आटे को हम अच्छी तरह से मस लेंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे इसका नेक्स्ट स्टेप। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ शुरू करते हैं। ये है आधा कप आटा। अब इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाएंगे और 5 मिनट ऐसे ही इसको रहने देंगे। बाद इसको अच्छी तरह मस लेंगे। अब इस तरह से इसको हल्के हाथ से रब करेंगे, ज़्यादा नहीं। तरह साफ़ करने से जो इनके ऊपर छोटे छोटे बारीक बारीक बाल होते हैं वो उतर जाएंगे। इसी तरह हम सारे ये जो पाए हैं इनको साफ़ कर लेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ एक पतीली में हम पानी को अच्छा खासा बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद जो पाए हमने आटे के साथ मैरिनेट करके रखे थे, यानी साफ़ किए थे, उनको इस पानी में डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके साथ हम पानी में डालेंगे ये 1 चम्मच खाने वाला, यानी मीठा सोडा है, और 1 चम्मच हल्दी है, ये हम इस पानी में डालेंगे। 1 चम्मच भर के जो है वो सिरका है वो डालेंगे, और इसके साथ ही हम अपने पाए जो हैं वो इसमें छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसमें पाए डाल के रख देंगे, इससे जो पाए में एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो 15 मिनट के बाद आपके साथ मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ पाए जो मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिए। अब दूसरी चीज़ों में मेरे पास ये 2 डली प्याज है, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट है, आधी प्याली दही है, ये मेरे पास देसी घी है, ये भी आधी प्याली है, क्योंकि आपको पता है कि पाए के अंदर अपना खुद का भी फैट होता है तो कम ही इस्तेमाल करेंगे। मसालों में ये है ज़ीरा, कुटी लाल मिर्ची, सूखा धनिया पाउडर, रेड चिली, ब्लैक पेपर, नमक, सिट्रिक एसिड और हल्दी। इन सब चीज़ों को एक दफ़ा ब्लेंडर में घुमाएंगे और एक पाउडर बना लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है इसमें 2 अदद काली इलायची, 3 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, बादियान का फूल, कलौंजी और ज़ीरा, इन सब का मैंने पीस के पाउडर बनाया है, ये हम एंड में डालेंगे अभी नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ घी डाला, जैसे घी थोड़ा सा गर्म होगा इसमें अपने अनियन डालेंगे, प्याजों को ब्राउन नहीं करना, इनको हल्का सा बस सॉफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ ये तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे ब्लेंडर में डाल के हमने इनको पीस लिया है मज़ीद, और एक पाउडर तैयार हो गया। तो प्याज हमारे जो है वो सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, जो पाए हैं और हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। फिर हम इसके सारे मसाले डालेंगे जो आपके साथ शेयर किए थे। मैंने इसे बर्तन के साथ 2-3 मिनट पहले पाए को अच्छे से भूना। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे,
मसालों के साथ भी इसको 2-3 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। इस स्टेज पे थोड़ा सा मैं पानी का छींटा दूंगी इसको। इसमें रहमान रहीम की बरकत के साथ तमाम मसाले डालने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट अच्छे से भूना। अब हम इसमें दही डालेंगे, आधी प्याली ये दही है। दही डाल के अब हम इसको और मज़ीद 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। मैं इन्हें प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो बगैर प्रेशर कुकर के भी बना सकते हैं। रहमान रहीम की बरकत के साथ मैंने पाए जो है वो अच्छी तरह से भून लिए। टोटल टाइम जो मैंने इनको इनकी भुनाई के लिए किया है वो 20 से 25 मिनट है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, मैं इसमें 4 गिलास पानी के डालूंगी और इसको अब हम प्रेशर लगाएंगे। और फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ मैंने 2 विज़ल लगा लिए, लेकिन अभी भी जो है वो पाए अच्छे से नहीं गले। अभी हम इसको 1 विज़ल और लगाएंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ पाए जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इनका कलर, पाए की जो है वो रोटी जो है वो भी अच्छे से गल गई है। अब मैं तो गरम मसाला पाउडर मैंने आपको दिखाया था वो डालेंगे, बिस्मिल्लाह पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो इनका रंग जो है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। और बस 2 मिनट इसको दम पे रखेंगे, फिर डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ हमारे मज़ेदार मटन पाए तैयार हो चुके हैं। तो ये है इनका फाइनल लुक। तो खाइए, एंजॉय कीजिए, दुआ में याद रखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।